मध्य प्रदेश से खबर आ रही है और वो खबर नंबर वन होने की आ रही है कि देश के अंदर गेहूं निर्यात को लेके मध्य प्रदेश नंबर वन राज्य बना है। भारत ने कुल 14,72,423 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात किए, जिसमें से 5,86,426 टन जो है, मीट्रिक टन जो है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश से गया है। तो ये एक खबर। और 38% गेहूं निर्यात अकेले मध्य प्रदेश ने किया पूरे भारत में से जितना निर्यात हुआ। तो जो लोग, कुछ लोग ऐसा दम भरते थे कि हम ही खिलाते हैं, कुछ ऐसे एक ऐसा प्रदेश है जिसके लोगों को ऐसी गलतफहमी कि वही खिलाते हैं पूरी दुनिया को, बड़ी ताव दे दे के मूछों पे बताते थे, पगड़ी बांध बांध के बताते थे हम नहीं खिलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नो फार्मर नो फूड हो जाएगा। हमारा तो छोड़ दो, विदेश भी आपका लेने को तैयार नहीं है। वो भी कहता मध्य प्रदेश वाला चाहिए, अशोक नगर वाला चाहिए। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो कोई भी भारत ने निर्यात किया ये एक बड़ी बात है, भारत के सम्मान की बात है। लेकिन कोई यदि प्रदेश में फंस रहा है किसी प्रकार से, भाषा में, क्षेत्रवाद में फंस रहा है, तो ये उसके लिए जवाब है, है ना। तो आप घमंड मत कीजिए, गर्व कीजिए, भारतीय होने पर गर्व कीजिए, भारत होने पर गर्व कीजिए। ये कहिए कि भारत ने जो निर्यात किया उसमें मेरा भी गिलहरी योगदान है तो समझ में आता, नहीं मैंने ही सारा किया तो कुछ नहीं किया। जरा सा प्रदेश जिसका नामो निशान नहीं है कहीं एक्सपोर्ट में, वो गेहूं में एक्सपोर्टर नंबर वन बन गया भारत का, और आप बैठे ही रह गए जो अपने आप को मूछों पे ताव दे रहे थे, असी ना खिलाएंगे तो जैसे भूखे मर जाओगे। नहीं, यहाँ से ले लेके जाते हो जी, अपना तो खुद भी नहीं खाते हो आप लोग, है ना। खैर, अरुण सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, हेमंत शाह जी नमस्ते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जब इस प्रकार की बात करे, आपके सामने आता है और वो ये बोले कि मेरा ही प्रदेश कर रहा है या मेरा ही जात कर रही है या मेरा ही प्रांत कर रहा है, मेरी ही भाषा वाले कर रहे हैं, तो उनको तुरंत वहाँ पे थोड़ा सा रोक दीजिए, है ना, थोड़ा चेक लगा दीजिए उन पर। इतनी स्पीड में मत भागो, गिर जाओगे बाबू, ठीक है ना। क्लियर है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश कहाँ रहेगा समझ में नहीं आया, उत्तर प्रदेश को आगे होना चाहिए, बड़ा राज्य है लेकिन आबादी बड़ी, तो संभवतः शायद एक्सपोर्ट में इतना नहीं जा पाते। खैर, एनीवेज, मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla.gov पर कंट्रीब्यूट कर दे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल टू रिसीव अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड। इफ यू'd लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द चैनल, यू कैन कंट्रीब्यूट टू patreon.com/sanathani, paypal.me/sanathani और sanathani@upi।